एक ही मेरी आपसे कामना है अब इकट्ठे करने के बाद में कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकालना शुरू करें। समय आप नहीं निकालेंगे तो आप ख्वाब देखते रहेंगे, शेख चिल्ली बने रहेंगे और आप दिवा स्वप्न देखते रहेंगे, दिन भर सपने देखेंगे, नया युग बना और नया युग बनेगा और दुनिया में प्रलय होगी और परमाणु बम फटेंगे, ऐसे ख्वाब देखते रहना। फिर आपको आप में आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। आपकी भूमिका हो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय का एक हिस्सा निकालना शुरू कर दें। आप चाहें तो निकाल सकते हैं ईमानदारी। जब आपके यहाँ ब्याह शादी होती है तो समय निकालते ही नहीं निकालते। जब आपके यहाँ पड़ोसी में कोई आफत आ जाती है तो समय निकालते हैं कि नहीं निकालते। समय निकलता है निकालने से भी, निकल आता है नहीं निकालने से भी नहीं निकलता। जो आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं, शांति कुंज में काम करते हैं, वो हमारे हैं। जो काम नहीं करते, नहीं साहब ये भी आप हमारे, सारा हरिद्वार हमारा है, सारा दिल्ली हमारा है, सारा कलकत्ता बम्बई हमारा है, सारे जो यह कैसे जो जो आदमी जिसके काम आता है वो आदमी उसका हो जाता है। आप हमारे काम आएंगे तो आप हमारे हमारे जैसे संबंध बन गए, रिश्ते तो हो गए आपके आपके हमारे, लेकिन रिश्ते के बीच पीछे जो सार्थकता और जिम्मेदारी जुड़ी हुई है अब बात उसी की रह जाती है। आप उसको और पूरा कर डालें तो मज़ा आ जाए। क्या कर डालें? जरा सी बात कर डालें। क्या कर डालें? समय निकालना शुरू कर दें। आप हमसे क्या मांगते हैं? न हम आपसे रुपया मांगते हैं, न पैसा मांगते हैं, न धन मांगते हैं, न ज़मीन मांगते हैं, न जायदाद मांगते हैं, न दावत मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। हम आपके समय में से एक हिस्सा मांगते हैं। एक हमको भी रिश्तेदार बना लीजिए। आपके घर में 9 आदमी हैं, 9 आदमियों के लिए आपको समय निकालना पड़ता है, 10वें आदमी हमको मान लीजिए, हमारे भी लिए निकाल लीजिए। माँ के बच्चे 4 होते हैं, 3 बच्चों को गोदी में खिलाती है, 4 नया हो जाता है, उसको भी संभालती है, हमको भी हमारा मान लीजिए, हमारे लिए भी समय निकाल दीजिए। तो हमारे लिए समय निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप? सारे के सारे क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ हो जाएंगे। समुद्र के बीच में एक खम्भा गड़ा रहता है, उस खम्भे में लाइट जलती रहती है, उससे निकलने वाले जहाज और नाव सबको रास्ता मालूम पड़ता है। चट्टाने ठोकर मत खाना, उससे निकल जाते हैं। हजारों नावों की रात भर निकलती रहती है, सबकी निकास कर जाती है ये प्रकाश का स्तंभ। आपको मैं क्या बना सकता हूँ? मैं प्रकाश स्तंभ बना सकता हूँ, और तो क्या बनाऊँगा मैं? आपको बड़ा सेठ बना नहीं सकता, आपको और कुछ बना नहीं सकता, मैं आपको विद्वान बना नहीं सकता, आपको पद्म भूषण की उपाधि दिला नहीं सकता, और कुछ कर सकते हैं आप? नहीं, आपको MLA बना दूँ? नहीं, ये भी मुश्किल है। कितने MLA? 24 लाख MLA कहाँ समा जाएंगे? 24 लाख MLA के लिए कहाँ मिल जाए? इसलिए मैं ये तो नहीं बना सकता, पर प्रकाश स्तंभ बना सकता हूँ कि आप अपना व्यक्तित्व और अपने जीवन को आगे रख करके लोगों को सलाह शबरा दें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। नए निर्माण के लिए हमको बहुत समय की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप देंगे तो दूसरे आदमी भी आपकी देखा देखी देंगे। आप शराब पियेंगे तो दूसरे आदमी आपकी देखा देखी शराब पी लेंगे। आप बीड़ी फूकेंगे तो दूसरों का भी मन चलेगा कि हमको भी इनकी नकल करनी चाहिए। आप थोड़ा समय दे दीजिए हमको। ये दें साहब, गरीबों के लिए कम्बल बांटें। बांट दीजिए, मत बांट दीजिए। अब की बार वो कम्बल आप बांटेंगे बस, फिर आप जब फटेगा फिर डोलेगा नंगा। ऐसे हम सलावट खोलेंगे, आप सलावट खोल देंगे बोले, लेकिन अभी आप फिरा देंगे, शाम को फिर वो भूखा मिलेगा, किसी और के दरवाजे में खड़ा होगा। आप लोगों की स्वामी की जरूरत तो पूरी कर सकते हैं। किसी को बाढ़ आ जाए, कोई और ऐसी मुसीबत अग्निकांड हो जाए, इसमें आदमी के कपड़े जल गए, सब नहाने को करता ही नहीं है, तो ठीक है, आप अपना कुर्ता दे दीजिए, भूल दीजिए। सामूहिक सहायताएँ तो संभव हैं, पर स्थायी रूप से आप गरीबी को मिटाने के लिए और पिछड़ापन मिटाने के लिए ये चाहें, हम लोगों को सामान दे करके, साधन दे करके, पैसा दे करके, धन दे करके हम किसी की सहायता कर सकते हैं? नहीं, आपकी वो सहायता नहीं हो सकती। आप केवल विचारों से सहायता कर सकते हैं। अगर आपने किसी निकम्मे आदमी को, नामाकूल आदमी को, जो आदमी घर बैठा रहता है उसको ठल्ले आदमी को सक्रिय बना दिया तो अपना पेट भर लेगा, अपने कुटुंब का पेट भर लेगा और अपने बाल बच्चों का पेट भर लेगा और मोहल्ला पड़ोसने को दे भी सकेगा। अगर आपने किसी निकम्बे आदमी को कारगर बना दिया तो ऐसे ही विचारहीन व्यक्तियों को विचार दिया तो आपने सब कुछ कर दिया। आज की समस्याएं सिर्फ एक समस्या है और कोई समस्या नहीं है। आदमी विचारों की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से बड़ा कमज़ोर हो गया। गंदा दिमाग आदमी का, गंदा चरित्र आदमी का जाने क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देता है। 24 घंटे ताना बाना बनता रहता है, केवल एक ही ताना बाना बनता रहता है कि किस तरीके से मैं गिरूँ और किस तरीके से दूसरों को लेकर डूबूँ।
इसीलिए हमको लोगों के ख्यालों को ठीक करना, ख़ानवाने को ठीक करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए पहले वर्णमाला पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि स्वतः गिनती आए, स्वतः गिनती नहीं आती है और हमको वर्णमाला नहीं आती है और हमको वामन अक्षर लिखना नहीं आता है, और फिर हमको एमए करा दीजिए और हमको पीएचडी करा दीजिए, सब करा देंगे आपको, पर आप पहले वर्णमाला करिए। पहला काम हमने जो आप लोगों के हर एक चीज़ में बताया है वो अगर आप काम कर लेंगे तो फिर हम आपको और शानदार काम सौंपेंगे। शानदार काम आपके निगाह में, हमारे पास बहुत शानदार काम निगाह में, हमारी जगह पर ऐसी ऐसी शानदार काम निगाह में। एक ही मेरी आपसे कामना है अब इकट्ठे करने के बाद में कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकालना शुरू करें। समय आप नहीं निकालेंगे तो आप खाब देखते रहेंगे, सेकते नहीं बने रहेंगे, और आप दिवार स्वप्न देखते रहेंगे, दिन भर सपने देखेंगे, नया युग बना और नया युग बनेगा और दुनिया में प्रलय होगी और परमाणु बम फटेंगे, जो ख्वाब देखते रहना, फिर आपको आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। आपकी भूमिका हो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय का एक हिस्सा निकालना शुरू कर दें। आप चाहें तो निकाल सकते हैं ईमानदारी, जब आपके यहाँ ब्याह शादी होती है तो समय निकालते ही नहीं निकालते, जब आपके यहाँ पड़ोसी में कोई आफत आ जाती है तो समय निकालते हैं कि नहीं निकालते, समय निकलता है निकालने से भी निकल आता है, नहीं निकालने से भी नहीं निकलता। जो आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं, शांति कुंज में काम करते हैं, वो हमारे हैं, जो काम नहीं करते नहीं साहब, ये भी आप हमारे, सारा हरिद्वार हमारा है, सारा दिल्ली हमारा है, सारा कलकत्ता बम्बई हमारा है, सारे जो कैसे जो जो आदमी जिसके काम आता है वो आदमी उसका हो जाता है। आप हमारे काम आएंगे तो आप हमारे हमारे जैसे संबंध बन गए, रिश्ते तो हो गए आपके आपके हमारे, लेकिन रिश्ते के बीच पीछे जो सार्थकता और जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, अब बात उसी की रह जाती है। आप उसको और पूरा कर डालें तो मज़ा आ जाए। क्या कर डालें? जरा सी बात कर डालें, क्या कर डालें? समय निकालना शुरू कर दें। आप हमसे क्या मांगते हैं? ना हम आपसे रुपया मांगते हैं, ना पैसा मांगते हैं, ना धन मांगते हैं, ना ज़मीन मांगते हैं, ना जायदाद मांगते हैं, ना दावत मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। हम आपके समय में से एक हिस्सा मांगते हैं। एक हमको भी रिश्तेदार बना लीजिए। आपके घर में 9 आदमी हैं, 9 आदमियों के लिए आपको समय निकालना पड़ता है, 10वें आदमी हमको मान लीजिए, हमारे ये भी नहीं निकाल लीजिए। माँ के बच्चे 4 होते हैं, 3 बच्चों को गोदी में खिलाती है, 4 नया हो जाता है, उसको भी संभालती है, हमको भी हमारा मान लीजिए, हमारे लिए भी समय निकाल दीजिए। तो हमारे लिए समय निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप, सारे के सारे क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ हो जाएंगे। समुद्र के बीच में एक खम्भा खड़ा रहता है, उस खम्भे में लाइट जलती रहती है, उससे निकलने वाले जहाज और नाव सबको रास्ता मालूम पड़ता है। चट्टाने ठोकर मत खाना उससे निकल जाते हैं। हजारों नावों की जो रात भर निकलती रहती है, सबकी निकास कर जाती है ये प्रकाश का स्तंभ। आपको मैं क्या बना सकता हूँ? मैं प्रकाश स्तंभ बना सकता हूँ, और तो क्या बनाऊँगा मैं? आपको बिरला सेठ बना नहीं सकता, आपको और कुछ बना नहीं सकता, मैं आपको विद्वान बना नहीं सकता, आपको पद्म भूषण की उपाधि दिला नहीं सकता, और कुछ कर सकते हैं आप नहीं, आप MLA बना दूँ पानी, ये भी मुश्किल है। कितने MLA? 24 लाख MLA कहाँ से आ जाएंगे? 24 लाख MLA के लिए कहाँ मिल जाए? इसलिए मैं ये तो नहीं बना सकता, पर प्रकाश स्तंभ बना सकता हूँ कि आप अपना